स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिटी पब्लिक स्कूल। मैं हूँ सोलंकी वैशाली, आपकी संस्कृत टीचर। हम लोग आज स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 9 सुक्तय। सुक्तय मीन्स गुजराती में बोलते हैं सुवचनों, वैसे ही हम लोग संस्कृत में उसको बोलते हैं सुक्तीज या फिर तो एपिग्राम्स। तो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे ऐसे कई सारी सुक्तियाँ हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। सुक्ति होती क्या है? तो जो हमारा संस्कृत साहित्य है उनके अंदर वेद, उपनिषद, पुराण ऐसे अन्य ग्रंथों के सुवचनों का भंडार भरा हुआ है। इसके अंदर जो दिए गए सुवचन है उनके द्वारा मनुष्य जो है वो अपना जीवन व्यवस्थित और उनको जिस ज्ञान की ज़रूरत है वो ज्ञान वहाँ से वो प्राप्त कर सकता है। सुक्ति मीन्स सु यानी के अच्छा, अच्छी तरीके से। उक्ति मीन्स कहा गया, बोला गया, अर्थात जो सच्ची तरीके से बोला गया हो वैसा सुवचन। ऐसी ही 8 सुक्ति हमें यहाँ पे दी गई है जो मनुष्य के ज्ञान, सुविचार, नीतिमत्ता को सिखाती है। तो हम लोग फक्ष सुक्ति यहाँ पे देखेंगे। नास्ति उद्यम सम बंधु। नास्ति, फर्स्ट वर्ड नास्ति सबको आता है, पता है ना क्या है? संधि है फर्स्ट तो, न प्लस अस्ति, उसका मीनिंग क्या होता है? नॉट। उद्यम सम सिमिलर टू हार्ड वर्क। बंधु मीन्स यस फ्रेंड, ब्रदर। तो इस सुक्ति का हम लोग ट्रांसलेशन लिखेंगे तो देयर इज नो फ्रेंड लाइक हार्ड वर्क, यानी कि मेहनत के समान दूसरा कोई भाई नहीं है। तो इस सुक्ति में हमें क्या कहा गया है? तो प्रस्तुत सुक्ति में हमें मेहनत को ही मनुष्य का भाई माना गया है और मेहनत का ही महत्व बताया गया है। हर एक व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करना व्यक्ति जो मेहनत करता रहता है वो व्यक्ति जीवन में सुख, संपत्ति, धन, विद्या आदि चीज़ प्राप्त कर सकता है। जो हमारी मेहनत है ना उसको कामधेनु रूप भी मानने को आया है। पता है कामधेनु क्या है? सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली गाय, जिसको हम कामधेनु भी बोलते हैं। मेहनत कर जो व्यक्ति मेहनत करता है वो व्यक्ति सफलता प्राप्त करता ही करता है और क्रमशः विकास भी उसका होता है। और जो मेहनत नहीं करता है, जो आलसू होता है, जो ऐसे के ऐसा ही बैठा रहता है, वो व्यक्ति कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए गुजराती में भी एक कहावत कही गई है, सिद्धि तेने जय वरे जी परसेवी नाई, मीन्स सफलता वही प्राप्त कर सकता है जो परिश्रम करता है। तो यहाँ पे हमें एक श्लोक भी दिया गया है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु नास्युद्धमसो बंधु कृत्वा यम नावसिदति। यानी कि जो आलस है वो मनुष्य के शरीर में रहने वाला
बड़ा शत्रु है और ये शरीर में रहने वाला जो शत्रु है वो उद्यम मेहनत का उत्तम स्वजन है। जो उद्यम मेहनत करने से व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होता है। अगर जो मेहनत व्यक्ति होता है ना, वो धूल में से भी धन पैदा कर सकता है, यानी कि मिट्टी में से भी वो धन प्राप्त कर सकता है। जीवन में जो सुख और सिद्धियाँ वो प्राप्त करता है, वो जैसे आलसू लोग होते हैं, जे ऐसे ही बैठे रहते हैं, वो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। दूसरी एक सूक्ति बहुत अच्छी गुजराती में दी गई है, परिश्रम एज पारस मणि छे। परिश्रम एज पारस मणि छे, यानी कि जो हम मेहनत करते हैं वही हमें एक पारस मणि के रूप है। तो इसका हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन देखेंगे, एक्सप्रेशन कि हार्ड वर्क इज द रिलेबल फ्रेंड और ट्रू ब्रदर ऑन एनी मैन। एवरी पर्सन कैन अचीव वॉट एवर ही वॉन्ट्स विथ हार्ड वर्क एंड पर्सिस्टेंसी। एवरी रिलेटिव हैज सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ पर्सन बट हार्ड वर्क एक्सपेक्ट्स नथिंग। दस द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क हैज बीन गिवन हियर। दूसरा जो हमारी सुक्ति दी गई है, दूसरी सुक्ति, वृक्षः सत्पुरुषः इव, मीन्स जो वृक्ष है यानी कि जो ट्रीज है वो भी सत्पुरुषों के जैसी ही है। ट्रीज आर लाइक गुड पीपल। वृक्ष मीन्स ट्रीज, सत्पुरुष मीन्स गुड पीपल, यू लाइक सिमिलर टू। तो दूसरी पंक्ति में हमें कहा गया है कि वृक्ष जो होते हैं वो सत्पुरुषों जैसे ही होते हैं। जिस तरह सत्पुरुषों की संपत्ति, ज्ञान, धन, विद्या, कार्य वो सारा परोपकार के लिए होता है, वैसे ही वृक्षों का जीवन भी परोपकार के लिए ही होता है। संस्कृत में एक श्लोक दिया गया है, छाया मनुष्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षः तत्पुरुषायव। यानी कि जो वृक्ष होते हैं वो दूसरों को छांव देते हैं और वो खुद धूप में खड़े रहते हैं, उनके जो फल होते हैं वो भी दूसरों के लिए होते हैं। इसी तरह वृक्ष हम लोगों को छांव, फल, औषधि आदि चीज़ें देते हैं और वो क्या करते हैं दूसरा, तो हमारा जो हवामान होता है, जो वातावरण है, उसको भी वो शुद्ध रख के और वृक्ष हम लोगों पर यानी कि मनुष्यों के ऊपर उपकार परोपकार करते रहते हैं और करते हैं, इसीलिए वो सत्पुरुषों के जैसे हैं। नदी, फूल, धरती आदि भी वृक्षों के जैसे ही परोपकार करते रहते हैं। इसी तरह वृक्षों का परोपकार करने का जो गुण है उसको हमें समझकर
वृक्षों का उच्छेद करना चाहिए, उनका जतन करना चाहिए और अपने आप में भी परोपकार के गुण हमें विकसाने चाहिए। तो दूसरे सुक्ति का एक्सप्रेशन देखेंगे हम, हियर ट्रीज हैव बीन कंपेयर्ड टू गॉड टू गुड पीपल, ट्रीज themselves stand in the hot sun but cast their shade upon others. Their fruits are also for others. In this way, trees are like good people. थर्ड सुक्ति हमारी दी गई है, सीलम सर्वत्र वै धनम। सीलम means good character. सर्वत्र एवरीवेयर एट ऑल प्लेस वे ट्रूली रियली धनम मीन्स वेल्थ। इसका ट्रांसलेशन क्या आएगा कि गुड कैरेक्टर इज ट्रू वेल्थ एट ऑल प्लेसेस। हमारा जो चारित्र्य है हमारा जो कैरेक्टर है वह एवरीवेयर हर जगह पे धन है, वेल्थ है। तो इस पंक्ति में हमें क्या कहा गया है, तो इसके अंदर हमें अपने कैरेक्टर का महत्व उसकी बात की गई है। किसी भी व्यक्ति को हम लोग उनके कैरेक्टर के ऊपर से माप लेते हैं। मनुष्य के जीवन को दीपावना यानी कि शोभा उनको एट्रैक्टिव करना कोई आभूषण जो होता है तो वो है चारित्र। अगर जो मनुष्य का चारित्र पवित्र ना हो तो समाज उसका विश्वास नहीं करती है। धन मिलकत हो दो ये सब घुमा कर भी हम लोग कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर चारित्र सील हमारा जो वो अगर हमने घुमा दिया तो हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम अपनी मिलकत वो सब जो घुमा दिया तो वो तो हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा चारित्र हमारा कैरेक्टर जो लेस हो गया तो वो हम कभी भी उसको वापस नहीं पा सकते हैं। वैसे ही मनुष्य ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर हो, विद्यावान हो, गुणवान हो, धनवान हो, लेकिन चारित्र्यवान न हो तो वो कहीं पे भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि चारित्र सर्वत्र जगह पे धन के समान है, वेल्थ के समान है। जीवन के हर एक क्षेत्र में चारित्र उसको सफलता दिलाती है। जैसे बाहर के देश में परदेश में विद्या ही धन है, संकट में बुद्धि धन है, परलोक में धर्म धन है, लेकिन चारित्र्य है वो हर एक जगह पे धन है। तो उसका एक्सप्रेशन हम देखेंगे इंग्लिश में, हियर गुड कैरेक्टर हैज़ बीन कंसिडर्ड एज ट्रू वेल्थ इन फॉरेन कंट्रीज नॉलेज इज वेल्थ। During hard times, intelligence is real wealth in the other world. Intelligence is wealth, but good character is wealth everywhere. Good character should be given the highest importance in life. और fourth है हमारी सुक्ति, मातृदेवो भव। सबको पता है ना? Yes.
मम्मी को ही हम लोग भगवान मानते हैं, माता को ही हम लोग देव मानते हैं। तो मातृदेव मीन्स ऑन द हूज गॉड इज मदर भव बिकम। ट्रांसलेशन देखेंगे, यू कंसिडर मदर एज गॉड। तो हमारे जितने उपनिषद हैं उसमें से एक है तैतरीय उपनिषद, उसके अंदर से ये सूक्ति ली गई है जिसके अंदर हमें अपनी माता का महत्व बताया गया है। आपको पता है गुजराती में एक कविता है, जननी नी जोड़ सकी नहीं जड़े रेलोल। इस पंक्ति में भी हमें माता जी की जो जोड़ है, अपनी माँ की जो जोड़ है, वो मिलनी मुश्किल है ऐसा कहने में आया है। क्योंकि जो एक माता होती है वो अपने बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है, उसके लिए वो अपना पूरा जीवन है वो न्यौछावर कर देती है। वो अपने बच्चों में संस्कार, अच्छे संस्कार देके उसको सफलता के शिखर पे पहुंचाती है। एक माता ही है जो 100 शिक्षकों की गरज पूरी कर सकती है। गुजराती में एक कहावत है ना, वो एक पंक्ति है, सुविचार है कि एक माता 100 शिक्षक की गरज सारे छे। यानी कि माता जो होती है वो बालक को सुखी रखना चाहती है, वो अपने बालक के सुख में ही अपना सुख और उसके दुख में ही दुखी भी होती है। माता का जो ऋण होता है, वो जो बालक है वो 100 जन्म लेके भी चुका नहीं सकता। यानी कि हम अपने माँ का जो कर्ज है हमके ऊपर, वो हम 100 बार भी अपना अगर जन्म ले ले फिर भी हम लोग वो अदा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि माँ तो माँ होती है, गुजराती में भी कहते हैं माते माँ। इस तरह माता है वो देव समान है, उनका मान सम्मान रखना वो हमारा कर्तव्य है। इसी तरह यहाँ पे हम लोगों को माँ का महत्व दिया गया है। उसी तरह दूसरी भी सूक्तियाँ है, पता है तो आपको, पितृदेवो भव यानी कि फादर को भी गॉड्स माना गया, अतिथि देवो भव यानी कि जो मेहमान हमारे घर आते हैं वो अतिथि भी देव समान है, और आचार्य देवो भव यानी कि हमारे प्रिंसिपल वो भी देव के समान है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे 4 सूक्तियाँ देखी। लास्ट सूक्ति का हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रॉल रूल्स द वर्ल्ड, दिस प्रोवर्ब हैज इमोर्टल मदर, मदर गिव्स द नेक्टर ऑफ ग्लिटर टू हर सन डॉटर एंड गाइड्स हिम हर टू द जेनिट ऑफ अचीवमेंट, देयरफॉर मदर इज अ ग्रेट एज गुड अ गॉड इज, सी मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड वर्शिप्ड। तो बच्चों हम लोगों ने आज ये 4 सूक्ति देखी, उसका ट्रांसलेशन भी मैंने दिया है, मीनिंग भी दिए है, एक्सप्रेशन भी दिया। तो आप लोगों को ये अपनी नोटबुक में लिखने हैं, बाकी के जो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।